अध्यक्ष जी, आप तीनों एसोसिएशन के अध्यक्ष आप यहाँ मौजूद हैं और आज आपने प्रेस वार्ता भी बुला रखी थी। आप अपने अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 30,000 कोर्ट में जो मामला हुआ है अधिवक्ताओं के साथ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अधिवक्ताओं के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे बड़े भाई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिनके संरक्षण में हमने राजनीति सीखी, श्री रविचंद्र त्रिपाठी जी, और जिनके साथ हम राष्ट्रीय रहे, हमारे फौजदारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री रवि प्रकाश पांडे जी और महामंत्री बार एसोसिएशन श्री राम मुझारा जी, व हमारे छोटे भाई हमारे महामंत्री बार के श्री महेश सिंह जी, ये सब लोग आज पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हैं। जो निहत्थे अधिवक्ताओं पे सीने पे रख के उनके बंदूकों से गोलियां दागी गई है, उसके विरोध स्वरूप उसको हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने बड़ी गंभीरता से लिया। उसी के विरोध स्वरूप हम लोग आज एक पत्रकार वार्ता अपने सिविल बार एसोसिएशन के सभागार कक्ष में। आपने सिविल बार एसोसिएशन की बात कही जी, तो क्या आप सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं? यस। आप क्या कितने अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं? मेरे क्या 500 के लगभग में अधिवक्ता रजिस्टर्ड, क्योंकि हमारे बीच और अध्यक्ष यहाँ हैं, उनके क्या 250 अधिवक्ता, आप 2,500 अधिवक्ता। आप किस एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं? बार एसोसिएशन। आप क्या लगभग कितने अधिवक्ता होंगे? लगभग इस समय लगभग 2,000। तो क्या आप के जो तहसील के भी अधिवक्ता हैं, उनको भी ये संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अधिवक्ताओं को तो पहली बात हम एक संदेश देना ये चाहेंगे कि उन्हें जुल्म कतई बर्दाश्त न करे, जुल्म कोई भी अधिवक्ता जुल्म बर्दाश्त न करे, लेकिन जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया जाना चाहिए। जुल्म का जवाब अगर किसी संस्था द्वारा हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है, चाहे पुलिस द्वारा हो, चाहे जुडिशरी द्वारा हो, चाहे किसी के द्वारा हो, कोई भी व्यक्ति अगर वकीलों पर जुल्म करे, तो चूंकि वकील कानून का रखवाला है, वह जुल्म का जवाब जुल्म से न दे, बल्कि इस देश में जो एक ये देश दुनिया में सिरमौर इसीलिए है, ये गांधी की अहिंसा नीति से प्रेरित है, और पूरी दुनिया गांधी की नीति से और हिंदुस्तान की नीति से सत्याग्रह से प्रभावित होकर के पूरी दुनिया हिंदुस्तान के समक्ष नतमस्तक है। इसलिए अधिवक्ताओं को ये चाहिए कि जुर्म का जवाब प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह करके, सत्य का आग्रह करके, जबरदस्त तरीके से जुर्म का जवाब हमें देना चाहिए जुर्मी को, यह हम संदेश देना चाहते हैं, और कानून के दायरे में रह करके अपने ऊपर हुए जुर्म का हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि चाहे दिल्ली का अधिवक्ता हो, चाहे लखनऊ का अधिवक्ता हो, उसके ऊपर किया गया जुर्म, हम सभी अधिवक्ताओं अपने ऊपर किए गए जुर्म अपने ऊपर किए गए जुर्म समझते हैं और मानते हैं। इसलिए दुनिया के या इस देश के किसी कोने में किसी अधिवक्ता का उत्पीड़न किया जाएगा, तो हम अधिवक्ता लोग पुरजोर इकट्ठा होकर के उसका विरोध करें, यही अधिवक्ताओं को हम संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपके एक अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे अधिवक्ताओं पर जुर्म हुआ, और जैसा कि हमें जानकारी है 30,000 कोर्ट में अधिवक्ताओं को गोली भी लगी, तो ऐसे में अब आपकी अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? देखिए, जो 30,000 कोर्ट में अधिवक्ताओं पे जो आतंक पुलिसिया आतंक हुआ, जुल्म हुआ, उससे पूरे देश के अधिवक्ताओं में आक्रोश, और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश बार काउंसिल 8 तारीख को प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रही है, विरोध प्रदर्शन, और उसमें 8 तारीख को हम लोग बार एसोसिएशन अध्यक्ष जो पूरे जिले का नेतृत्व करता है, उसके अध्यक्ष जी श्री रविचंद्र त्रिपाठी जी, सिविल बार के अध्यक्ष श्री विवेक मणि जी, और मैं फौजदारी बार का अध्यक्ष रवि प्रकाश पांडे, ये तीनों लोग नेतृत्व करके संयुक्त नेतृत्व में अपने पूरे जिले में एक बहुत बड़ा सा एक विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। तो इसका एक संदेश जाना चाहिए कि अधिवक्ताओं के जुर्म हुआ, रक्षक नहीं भक्षक बनेगा, तो उनको हम लोग दिमाग तो क्या मान लें, 8 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे आप? हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे।